ठीक है। और लास्ट में क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसको एफपीएफ कहेंगे, ठीक है। तो ये चार चीजें डिस्कस करनी थी जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया है और मेरे हिसाब से है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्दर क्या बचता है, एक बचता आपका सिग्नम और एक बचता आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो आज हम लोग है ना ये दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ध्यान से अच्छे से बोर्ड पे देखना, कहीं पे कोई डाउट है और इससे कोई रिलेटेड डाउट हो तो आराम से पूछ लेना, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं इससे। ठीक है, आइए बात करते हैं अच्छे से। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपना, पहला जो हेडिंग है वो अपना लिख लेते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसको लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में एफपीएफ, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना अच्छे से कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या बेसिकली, ठीक है, चीजों को समझना अच्छे से है ना। तो पहला पॉइंट तो ये लिख दूं, रिप्रेजेंटेड है ना, इसको लिखने के बाद इसका दिखता कैसा चेहरा वो इंपॉर्टेंट है ना। रिप्रेजेंटेड बाई है ना, रिप्रेजेंटेड बाई कैसा, वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, कर्ली ब्रेकेट के अंदर में फंसा हुआ वेरिएबल, ठीक है। मैंने क्या बोला, कर्ली ब्रेकेट के अंदर में फंसा हुआ वेरिएबल, इसी को इस तरह का फोटो कहीं पे भी दिख जाए तो समझ जाना ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है। यानी इसको आप कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ है ना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं आप। यानी क्या, ये जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कह सकते हैं कि जो ये जो कर्ली ब्रेकेट है इसी को है ना डिनोट कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। लेकिन ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि उसके अंदर में जो वैल्यू बैठी हुई है उसका मतलब यहाँ पे जो बैठा है वेरिएबल है ना उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बैठा हुआ वेरिएबल उसको एक्स कह रहे हैं। कल के डेट में अगर मैं बोल दूं कि ये 3.2, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2। अच्छा वर्ड में यहाँ पे एक चीज आता है फ्रैक्शनल पार्ट, ध्यान से देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट का क्या मतलब होता है कि वो वैल्यू लेना अपने को जो फ्रैक्शन में हो, वो वैल्यू लेना है जो फ्रैक्शन में हो। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, समझना अच्छे से चीजों को, मैं इस पर आगे बात कर रहा हूँ। इसका पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि पॉइंट नंबर 2 का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखना अच्छे से पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 क्या है ना, इट टेक्स है ना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इट टेक्स फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू और है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू और है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, ठीक है। मैंने क्या लिखा है समझना अच्छे से, मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है यहाँ पे है ना, इट टेक्स फ्रैक्शनल वैल्यू आफ्टर डेसिमल, क्या मतलब इसका समझना अच्छे से। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि फ्रैक्शनल के अंदर में जो भी वैल्यू आपने रखा है वो डेसिमल के बाद वाला वैल्यू ले लेगा और वही उस फंक्शन का यानी वही उस फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर होगा, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर मैं लिखना चाहूँ जल्दी जल्दी से बताना कि अगर मैं लिखू 3.2, कोई बताएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, कोई भी बता सकता है। अरे भाई साहब मैंने बोला ये इट टेक्स है ना फ्रैक्शनल वैल्यू आफ्टर डेसिमल, इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रैक्शनल यानी क्या जो भी वैल्यू दे रखा हो इसके डेसिमल के जो बाद में वैल्यू है वही ले लेना है। ये एज इट इज आंसर कितना है भाई साहब, 0.2 या 2 लिख दो सीधा सीधा, ये 0.2, ठीक है, पकड़ मारी बात। अच्छा तो सर एक बात बताओ, अगला अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक है, इसका आंसर कोई बताएगा मेरे को, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.9, और बता दे जल्दी से 0.9, बहुत ही अच्छा 0.9। अच्छा अगला कोई बता सकता है मेरे को जल्दी से, पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई 0.1, हाँ आराम आराम से, क्या ये 3. यानी 0.14 होगा क्या, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक एग्जांपल और आपके सामने लगा रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई वेर ई इज डिनोटेड बाई नेपियर कॉन्स्टेंट, जल्दी बताओ कितना है, वैल्यू ऑफ ई कितना होगा बताओ। मैंने इसको लिखवाया था ऐसा है ना, कितना आता भाई 2.71, इसको मैं लिख सकता हूँ अप्रॉक्स 2 है ना, 0.71 चलेगा। तो यानी क्या है कि सर मैंने जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बताया आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी को रख रख करके बताया है, लेकिन कल के डेट में ये भी हो सकता है कि यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो पहले या तो नोट करो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ऐसा, ठीक है, ये होता क्या सर, वैल्यू कैसे लिखते हैं इसका, इसका वैल्यू होता है इट टेक्स है ना फ्रैक्शनल वैल्यू आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यू होगा वो ले लेगा, ठीक है, आंसर ये हो गया। चलो जल्दी से बताओ, इसमें कोई डाउट है पूछो या तो नोट करो इसको।
समझ में आ गया क्या? चलिए भाई, तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछो, अदरवाइज है ना फ्रैक्शनल पार्ट में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट इंटीजर ले लेते हैं, लेफ्ट इंटीजर कौन सा जो सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, हम लोग राइट में जाकर के वो फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट में दे रखा होता है ना, वाइस वर्सा है दोनों एक दूसरे का ठीक अपोजिट, ध्यान रखना चाहिए। चलिए तो सर एक बात बताओ, अगर ये चीज समझ में आ गया तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, जल्दी से बताना सोच करके। देखो चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना भाई साहब, जैसे मान लो ना मैंने 1.9 लिखा है, ठीक है आपके सामने लिखा, तमीज से ध्यान देना, मैंने ये लिखा 1.9, और कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये जो लिख रहा हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1 + 0.9, एग्री करते हो या नहीं, पहले जल्दी से बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? सही है। अच्छा चलो अब कितने लोग बता सकते हैं, अगर ये वाली बात सही लिखी हुई है तो अगर मैंने इसको बोल दिया भाई 1.9 ही रहने देता हूं, और कितने लोग समझ के बता सकते हैं कि ये जो लिखा है 1 क्या ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर था क्या? हाँ यस सर सही है। तो कितने लोग बता सकते हैं ये 0.9 क्या है सर? 0.9 कुछ भी नहीं है सर, उसका वो फ्रैक्शनल पार्ट है। नहीं समझ में आया किसका फ्रैक्शनल पार्ट है 1.9 का? क्या आप इसको सीख पा रहे हैं क्या मैंने ये सही लिखा या गलत लिखा, जल्दी से सोच के बताओ। सही है चलो, अगर यहां तक समझ में आ गया तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि सर किसी भी नंबर को उसके ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि सर आज के डेट में ये जो वेरिएबल है, सॉरी ये जो कांस्टेंट है, इसको अगर मैं एक्स बोल दूं, तो क्या मैं अगर एक्स लिख रहा हूं तो कितने बता सकते हैं अगर ये एक्स है तो ये क्वांटिटी जाके ग्रेटेस्ट में भी फंसा हुआ है, यानी क्या हुआ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है सर। तो सर यही क्वांटिटी कहां पे फंसा हुआ है? फ्रैक्शनल पार्ट में फंसा हुआ, यानी क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि सर एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शनल हो चाहे वो हाँ इंटीजर हो, किसी भी नंबर को इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा जा सकता है तोड़कर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो समझना अच्छे से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने सीखा क्या है वो दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि आज के डेट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो फॉर्मुला होता है बहुत ही अच्छा फॉर्मुला निकल गया है, मैं इसको यहाँ पकड़ के रख रहा हूँ और ये उछल के उधर भागेगा। तो इसको लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना, सुनना अच्छे से, मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को यहीं पकड़ा और उधर क्या लिखूंगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। सही है, केस नंबर बन गया। इसी को आप थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना, इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको। इधर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस ऑफ कितना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तीसरा क्या सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको यहीं पर रख लो, उसको उधर लेके चले जाओ, क्या लिखेंगे भाई साहब x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये, बस ये याद रखना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैंने अभी बताया किसी भी नंबर को उसके फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट में लिखा जा सकता है। कॉपी करें, कहीं डाउट है तो पूछें। चलिए साहब, यहां तक आपको समझ में आ गया हो और आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो मैं बस दो बातें पूछूंगा आपसे फटाफट करके, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो बहुत ही ज्यादा प्रेशर देके आपको समझाया कि भाई साहब उसको याद रखना है, कौन सा, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, है ना, एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। चलो ठीक है, इसको दो तीन क्वेश्चन करते फटाफट करके, क्वेश्चन नहीं करना बस रिजल्ट बता रहा हूँ, रिजल्ट कैसा कैसा होगा ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है चलो देखते हैं क्या क्या है। आइए, तो हमने अभी ताजा ताजा सीखा भाई साहब, ये लिख देता हूँ वापस से, सर हमने सीखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स चिल्ला चिल्ला के कहता है कि सर एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगा। ठीक है, मैंने मान लिया भाई साहब, ये अपने को याद रखना। अब इस पे सीखते हैं जरा जल्दी जल्दी से। तो हमने क्या देखा कि सर नेगेटिव वाला कभी नहीं देखा, तो एग्जांपल में नेगेटिव में रख लेते हैं। सुनना, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.9 लिखना है तो क्या लिखेंगे सर इसका आंसर, सुनना अच्छे से जो सिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते नेगेटिव वाले में। ठीक है, सुनना अच्छे से, नेगेटिव वाले में थोड़ा लफड़ा होता है। अब इस लफड़े को क्लियर करने के लिए जानबूझ के मैंने ये फॉर्मूला इन्वेंट कर दिया, सुनना अच्छे से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि सर ये बताओ तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जगह पर तो ये रखा हुआ है, अब मैं क्या करूंगा इसी फॉर्मूले में इस नंबर को चिपका दूंगा हर जगह पे, जहां जहां एक्स होगा रख दूंगा। तो ये माइनस 1.9 यहां भी आएगा, तो माइनस 1.9 यहां भी आया, फिर यहाँ पे क्या जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1.9। कितने लोग बता सकते हैं जल्दी से, तमीज से बताना माइनस 1.9 और इसका आंसर बोलो। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस 1.9 माइनस 2, तो ये लिखेंगे माइनस 2। सही है क्या, जिस समय मैंने माइनस 2 लिखा तो क्या ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये दिखेगा 2 और ये माइनस ऑफ 1.9। तो दो में से 1.9 गया, गरीब बच्चा भी बता देगा 0.1 होता है। सही है, तो इसका मतलब क्या पता चला, सुनना अच्छे से, मैं इसमें सिखाना क्या चाहता हूँ, सुनना, मैं आपको ये प्रोसेस नहीं सिखाना चाहता, जो सिखाना चाहता हूँ वो सीखना, देखो इधर ध्यान दो। चलो, जो अगर मान लो आज के बाद फ्रैक्शनल पार्ट में नेगेटिव आ जाए, जो भी नेगेटिव आ जाए, तब वो कुछ नहीं करना, जो डेसिमल के बाद वाला नंबर होगा ना उसमें से एक घटा देना,
डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होगा उसमें से एक घटा देना, यानी क्या एक में से इसको घटा देना, ठीक है, जो बचेगा वो रिमेनिंग आंसर आएगा। तो यानी कैसे बोला सर, फिर से बोलो। मैंने बोला देख भाई वन और माइनस नहीं, ये डेसिमल के बाद नंबर कौन है, नाइन है, मैंने लिखा पॉइंट नाइन, आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू 0.1। पकड़ में आ रही बातें, जरा फिर से समझने के लिए है ना, आपकी बुद्धि का विकास के लिए एक क्वेश्चन, -3.4 कौन बताएगा, बोलो कितना, 0.6, बहुत ही बढ़िया, 1 - 0.4 भाव कितना आ गया, 0.6, दिस इज योर आंसर। एक लास्ट ले लेते हैं, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस पाई कौन बताएगा, दर्द हो गया इसमें सभी को, अरे पहले इसको तो लिख तो लो, -3.4, ठीक है, क्या क्या लिखना है, 1 - 0.14, जो भी आएगा छाप लेना भाई साहब, सही है क्या, इसको सॉल्व कर लेना, कॉपी करो जल्दी से, यानी क्या पता चला, सीधा सीधा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में नेगेटिव पार्ट आ जाए तो डेसिमल वाले को नंबर को 1 से घटा के लिख देना है, वही आंसर होगा। लेकिन पॉजिटिव वाले में क्या करते हैं सर, पॉजिटिव वाले में कुछ नहीं करते भाई साहब, वो डेसिमल के बाद वाला नंबर एज इट इज बाहर आ जाए, ठीक है, चलो चलो, तो ये आपको समझ में आ गया, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ये था फ्रैक्शनल पार्ट का कुछ कुछ छोटी छोटी बातें। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट करके जल्दी जल्दी से इसका ग्राफ भी देखेंगे, लेकिन इसके ग्राफ देखने से पहले मैं चाहूंगा प्रॉपर्टी देखें आप, ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज पे आते हैं फटाफट करके। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, क्या क्या होता है जल्दी जल्दी से सीख लेना, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना इधर साइड में आके हम लोग बात करें, देखो साइड में क्या बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये सभी को रटा होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे ना दो चार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं फटाफट करके, देखो इधर मैंने क्या करा, x के नाम पे इंटीजर रखा, इंटीजर माने दो, वो डेसिमल वैल्यू नहीं रखा मैंने, तो दो रखा, रखो हर जगह पे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दो इज इक्वल टू कितना, इधर सर दो माइनस इधर कितना सर दो, को बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर दो कितना होता है सर, दो ही होगा, दो, हाँ दो माइनस दो आंसर कितना आ गया, जीरो। अब आप क्या पता चला, एक मिनट और रुक करते हैं, है ना, x इक्वल टू माइनस टू भी ले लेते हैं, तो मैंने क्या रखा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस दो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, -2 - -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ये इंटीजर एज इट इज आएगा, सुनना अच्छे से, तो -2 और -2 मिलके +2 कट गया, आंसर आ गया 0। यानी क्या पता चला कि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर रखो चाहे आप नेगेटिव इंटीजर रखो, याद रखना अच्छे से, ये खा जाएगा, खाने का मतलब 0, लड्डू बचेगा भाई साहब। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 आता है निकल के कि फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखो, आंसर हमेशा आने वाला भविष्य 0 ही होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना जल्दी से, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होगा, ध्यान रखना, देखो चलो यहीं पे दिखा रहा हूँ, यहीं पे ले लेते हैं, केस नंबर 2 क्या होगा समझना अच्छे से। जैसे मैं इसको बोलूं, इस तरह एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में काम करते हैं ना सर, यहाँ पे x प्लस 1 लेते हैं, तो देखते हैं सर ये इंटीजर जोड़ने पे क्या होता है, क्या ये इंटीजर बचेगा या बाहर आता, देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, फॉर्मुला लगा दिया, आज यहाँ x की जगह पे x प्लस 1 है, तो यहाँ पे रखो भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 1, याद आया किसी को, और माइनस में क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, कोई बता सकता है ये प्रॉपर्टी होता है, ये क्या करूं बताओ, याद है किसी को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस 1 क्या करते थे, क्या ये 1 कूद के बाहर आ जाता था क्या, सही है। चलो फिर से वापस बात करते भाई साहब, समझना अच्छे से। तो ये आ गया आपका कितना, x प्लस 1, और ये कितना आ गया माइनस, और ये आ गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये आ गया माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या हुआ, x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही बचा भाई साहब, यानी ये वापस से क्या बच गया, ये वापस से घूम फिर के यही बच रहा है, क्या बच रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही बच रहा है। यानी क्या हुआ कि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में आप x प्लस इंटीजर जोड़ दो या घटा दो, ये इंटीजर को खा देगा और बाहर सिर्फ खुद ब खुद बाहर आएगा। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में आप इंटीजर जोड़े या घटाएं, वो इंटीजर को गायब कर देगा, और गायब करने के बाद क्या मिलेगा, वो खुद बाहर आ जाएगा, लेकिन इंटीजर आप रखोगे तो वो खा जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये दो चीजें आपको समझ में आई हो, जरूर उसको नोट करो, ठीक है, मैं इधर रख रहा हूँ। चलो भाई तो ये समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 3 पे आ रहा हूं मैं, थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है समझना अच्छे से, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है समझना भाई, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था और ये इंटीजर था, मैंने जोड़ा घटाया इंटीजर में यही आता है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट x है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या सीखा आपने,
ये सीखा सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ऑफ ग्रेडेशन डी एक्स, ये सबसे काम का, सबसे ज्यादा काम का, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर फोर है ना, अब आते हैं बात पे, इस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x लिखा, तो सर इसका भविष्य क्या होगा, अब अपने को चेक करना है, जल्दी जल्दी चेक करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब x इक्वल टू इंटीजर हो जाए, जब x नॉट इक्वल टू इंटीजर हो जाए, है ना, यानी दोनों केस में आंसर क्या आएगा, समझना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूँ, आओ हम लोगों को कुछ पता नहीं सर, इधर ही आके बात कर लेते हैं साइड में, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ आप सीखेंगे, देखो जरा जल्दी से, इस तो ऊपर वाला हो गया, जैसे ही आप इंटीजर रखोगे तो ये दिखेगा वन फ्रैक्शनल पार्ट और ये दिखेगा माइनस वन फ्रैक्शनल पार्ट, मैंने बोला कि इंटीजर कुछ भी रखो आंसर जीरो देगा, तो यानी ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो आंसर कितना आ रहा भाई साहब, जीरो आ रहा है, यानी क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और उसी का नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में जुड़ा जाए तो आंसर आने वाला जीरो होगा, वेन जब एक्स कैसा हो इंटीजर, रिपीट कर रहा हूं फिर से सुनना अच्छे से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, इसका सम जीरो होता है जब एक्स की वैल्यू इंटीजर ली जाती है, याद रहेगा किसी को, याद रखना इंटीजर आएगा तो भैया इसका आंसर जीरो होगा, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, नॉन इंटीजर पे क्या आएगा सर, कोई जल्दी से बता सकता है, एग्जांपल के लिए मैं ले लूं यहाँ पे, इसी को रब करते हैं और यहीं पे एक एग्जांपल चिपकाते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो सुनना, एट एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया 1.2, ये इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, चलेगा, ठीक है। अब क्या करूं सर, यहाँ पे 1.2 चलेगा सर, और यहाँ पे लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.2, कोई बताएगा 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, कोई बताओ जल्दी, 0.2। बहुत ही बढ़िया, ये आ गया 0.2, और सर माइनस 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0.8, टोटल सम कितना आ गया, 1, सही है, तो सीधा सीधा इसका आंसर 1 आएगा, ध्यान रखना, तो रिपीट कर दे रहा हूँ, नॉन इंटीजर पे आंसर 1, इंटीजर पे आंसर 0। अच्छा एक सवाल मेरे मन में आया, मैं चाहता हूँ कि वो भी यहीं पे पूछ लो ताकि आपका थोड़ा सा रिविजन हो जाए, है ना, देखो कहीं आप गजनी ना बन जाए, है ना, लिखा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, याद आया किसी को, ऐसा प्रॉपर्टी भी कुछ था जब x इंटीजर था और जब x नॉन इंटीजर था, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा, चलो बताओ ये पे, इंटीजर लेने पे क्या देगा, नॉन इंटीजर लेने पे क्या देगा, बताओ सर, इंटीजर पे 0 आएगा, बहुत ही बढ़िया, नॉन इंटीजर पे, नॉन इंटीजर पे, और यही रख लेते ना, इतना परेशान नहीं होना, 1.2 रख दो क्या, तो ये 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना लगा देगा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लगा देगा, और माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना लगा देगा, माइनस 2 लगा देगा, और आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1, यानी इसका आंसर माइनस, ठीक है, यानी दोनों वाले केस में कंफ्यूज मत रहना, ये फ्रैक्शनल वाले में 1 होता है और इंटीजर वाले में इस तरह में माइनस 1 होता है, कॉपी करें, कहीं किसी तरह का सख्त सवाल पूछ लीजिए, है ना, मन में कोई पाप नहीं रखना है कि सर ये छूट गया, पूछो भाई, इस तरह के छोटे छोटे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट था, है ना, ये इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं, चलिए तो प्रॉपर्टी 5 के बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है वो समझते हैं अच्छे से, ग्राफ है ना, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है और ग्राफ में ही क्वेश्चन जो बन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो पहले काम कर इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है पहले तो मैं समझा दूं, है ना, उसके बाद याद कराता हूँ, नहीं पहले याद करा लेता हूँ उसके बाद समझाता हूँ, समझना अच्छे से, आपको करना कुछ भी है, एक्स एक्सिस पे आकर के, है ना, नंबर लाइन पे मार्क कर लें, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे आगे बढ़ता चलेगा, इधर क्या जाएगा सर, ये माइनस 1, ये माइनस 2 और ये आ गया माइनस 3 और ये आ गया माइनस 4, ठीक है, करना कुछ भी है, आप एक है ना वाई इक्वल टू 1 लाइन खींच लें, वाई इक्वल टू 1, लेकिन कैसा वाला, ओपन वाला, डॉटेड बना लेना, डॉटेड, ठीक है, जैसे डॉटेड बना आपको करना कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस पे जहां जाए इंटीजर वहां डार्क लगाओ और ठीक जाकर के अगले इंटीजर पे ऐसे होल सर्कल लगा देना है, दिखा अगले इंटीजर पे जाके होल सर्कल बना, फिर वहां पे खड़े हो जाओ और अगले इंटीजर पे जाके होल सर्कल बना देना, फिर अगले इंटीजर पे खड़े हो जाओ और अगले सर, है ना, अगले इंटीजर पे होल सर्कल बना, यानी इसी तरह का प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, यानी फिर इधर क्या होगा, ये इधर होगा सर इसके लिए और ये इसके लिए इधर होगा, ठीक है, और ये सर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों नहीं जा रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू का जो ग्राफ होता है इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये 1 से ज्यादा नहीं जाता, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका ग्राफ कैसे आया,
अब बात करता हूँ कैसे आया, ठीक है, सुनो अच्छे से। चलो देखो इधर, मैं बोलता हूँ जीरो से वन के बीच में एक एक चीज बात करता हूँ। मैंने बताया था कि ठीक इंटीजर पे ये जीरो दे देता है, फ्रैक्शनल पार्ट में ठीक इंटीजर रखोगे ना तो इंटीजर पे ये जीरो देगा, तो ये जीरो आ रहा है, तो डार्क सर्कल। और जीरो से वन के बीच में कितना देगा ये, तो जीरो से वन के बीच में ये एक से ज्यादा नहीं दे सकता। जैसे लेट सपोज कर लो मैंने यहाँ पे रखा, सुनना अच्छे से, जैसे मैं बोलू पॉइंट वन है ना, तो पॉइंट वन ही आएगा, और मान लो पॉइंट टू बोला तो ये पॉइंट टू ही देगा, और अगर मान लो पॉइंट नाइन रखा तो ये पॉइंट नाइन ही देगा, नहीं पकड़ में आया। और सर मान लो कि वन रखा तो वन रखोगे ना तो ये जीरो दे देगा, वन जीरो यहाँ दे दिया। तो आपने जो जीरो पॉइंट वन रखा, टू रखा, थ्री रखा, फोर रखा, अप टू नाइन तक यहाँ तक रखा, तो यहाँ तक आपको ग्राफ प्रॉपर मिला है प्रॉपर। लेकिन जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू वन रखी वो ग्राफ गिर करके यहाँ आ गया, पकड़ बारी बात। तो इस तरह से इसका ग्राफ आगे बढ़ता है और हर जगह पे ऐसे चलेगा, ठीक है। अच्छा मान लो सर ऐसा आ रहा है, लेट सपोज कर लो कि 1.2 रखा, 1.2 यहाँ पे, तो 1.2 का ग्राफ कैसा आएगा, 1.2 का सर 0.2 ही आएगा। देखो ये 0.2 यहाँ पे ना, 0.2 देखो, ये हो गया आपका 0.2 है ना, ये 0.3 है ना, इतना डेप्थ में नहीं जाना, बस 0.2 आया, तो यहाँ पे 1.2 रखना, तो ये 0.2 यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है ये ग्राफ है ना। लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाना आपको, तो सीधा याद रखना बच्चों को झुंझुने है ना, देखा वो छोटा छोटा ऐसा टक टक करने वाला, बस आपको ध्यान रखना है कि सर हर इंटीजर पे जाकर के है ना, जिस इंटीजर पे खड़े हो वहां से ऐसे ग्राफ बनाना है और अगले इंटीजर पे होलो बना देना, ठीक है। अब सवाल पूछता हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो बताओ, चलो जल्दी से देखो इधर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, पहला पॉइंट पूछो, चलो डोमेन बताओ, डोमेन डोमेन कौन बताएगा, आर, डोमेन आर, बहुत ही बढ़िया डोमेन, बहुत ही बढ़िया। पॉइंट नंबर टू, रेंज बताओ, रेंज 0 से 1 क्या ये पूरा का पूरा फंक्शन, यानी पूरा का पूरा फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है तो सर ऊपर वाला जो वाई एक्सिस होता है वो तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इसको। अच्छा अब ध्यान से समझना कि मैंने ये ग्राफ का जो डोमेन आया वो आ रहा है, ठीक है, इन सब चीजों को मैं है ना रिमार्क में लिखाऊंगा फिलहाल, ये समझ लियो तो आगे बढ़ते हैं। पहले लिखो इसको जल्दी से, जल्दी से लिख लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये हमने ग्राफ भी देख लिया, इसका ग्राफ के ऊपर में डोमेन और रेंज भी देख लिया इसका। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन का ग्राफ था, मैंने इसके बारे में कुछ कुछ आपको बता भी दिया है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो अगला बात करते हैं, ग्राफ के बाद इसका ग्राफ कह रहा हूँ सॉरी है ना, एक लास्ट ले लेते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है, तब सबको असेंबल करके सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं आपको सिग्नम फंक्शन, लास्ट है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन ये भी पीस वाइज का एक टुकड़ा है, यानी क्या ये पीस वाइज का एक पार्ट है। तो मैंने चार तरह के पीस वाइज फंक्शन पढ़ाया, आपको ध्यान रखना चार तरह का पीस वाइज फंक्शन है ना, कौन कौन सा है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपको चार पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो सर सिग्नम फंक्शन होता क्या है, देखो जरा ध्यान से समझना, पहला पॉइंट तो ये लिख लो रिप्रेजेंटेड बाई कैसे है, दिखता कैसे है ना, रिप्रेजेंटेड बाई कैसा भाई, वाई इक्वल टू एस जी एन एक्स है ना, ऐसा लिखा होगा, y इक्वल टू एस जी एन एक्स लिखने का मतलब हो गया सिग्नम फंक्शन, प्यार से इसको सिग्नम बोला करेंगे, समझ अच्छे से। लेकिन होता क्या है ये, दिखता कैसा है इसको और समझाता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि x बाई मॉड x है ना, व्हेन x नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और क्या हो सकता है नीचे जीरो और x इक्वल टू जीरो। अच्छा और में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये पहला है ना ए पार्ट लिख रहा हूँ, और करके लिख देता हूँ, और में लोग इसको ऐसा भी लिखना पसंद करते हैं, y इक्वल टू एस जी एन एक्स, ठीक है, और ये मॉडुलस x जो नीचे है ना वो ऊपर लगा सकते हैं वो लोग, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, मॉड x बाई x व्हेन x नॉट इक्वल टू जीरो, When zero, when x equal to zero, ठीक है? So, ये representation हो गया। आप ऐसा देखेंगे books में या फिर ऐसा देखेंगे, दोनों में से ही पाया जाएगा, या तो इस तरह से लिखा होगा या तो इस तरह से लिखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। अब ये दिखा ऐसा जाता है, ठीक है, पहले इसको नोट करो, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि सर इसको ब्रेक कैसे करना है ना, सिग्नम फंक्शन को ब्रेक करना आना चाहिए आपको, पहले लिखे इसको, चलिए बात करते हैं। तो सिग्नम फंक्शन इस तरह से है भाई साहब, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग समझते हैं कि इंपॉर्टेंट इसमें है क्या, चलो ध्यान देना क्या इंपॉर्टेंट इसमें। पॉइंट नंबर टू, ब्रेकिंग,
देखो जरा ध्यान से कैसे दिखा रहा हूँ, सुनना अच्छे से की बात को। कभी भी ना आपको ऐसे दे देना वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स दे दे, या फिर इसके ठीक सामने ऐसे लगा के भाग जाए मॉड एक्स बाई एक्स है ना, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। सुनना अच्छे से, जब जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। आपको तो कुछ करना नहीं है इसको तोड़ने के लिए, है ना भाई सब, घर से कुछ लाना नहीं है कि तोड़ने के लिए सर कुछ लेके चलते हैं बारूद लगाए उड़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान समझना, करना क्या सुन लो, पहले आपको लिखना क्या क्या दिखा रहा हूँ। पहले लिखना है वन, ठीक है क्या, फिर लिखना है माइनस वन, फिर क्या लिखना है जीरो। लिखना आ गया, ये लिखना आना चाहिए आपको। कुछ भी फंक्शन दे दे एक्स की जगह पे, कुछ भी, मेरे को नहीं मतलब, कुछ भी दो, मैं ऐसे पहले लिखूंगा, ठीक है। इसके लिखने के बाद क्या करना, सुनना अच्छे से। जीरो की जगह तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो जीरो होगा तभी लिखा जाएगा, तो ये जीरो की जगह जीरो ही बैठा। अच्छा सर एक्स ही क्यों लिखा आपने, मैं ऐसे चलूंगा, सुनना अच्छे से। ये जो वेरिएबल आ रहा है ना, ये आपने कैसे पकड़ाई कि एक्स ही होगा आपने? मैंने बोला देख सिग्नम के अंदर बैठा हुआ आदमी कौन है, देख भाई ये सिग्नम के अंदर बैठा हुआ एक्स है, यानी वो एक्स ही यहाँ पे बैठेगा, पकड़ में आगे बात। अब क्या करना, जैसे जीरो लिखा तो ये जीरो आएगा, अब क्या करना माइनस आ रहा ना, वैसे कर लेना, जीरो से छोटा पे माइनस देगा और जीरो से बड़े पे है ना वन देगा। कैसे सर ये समझ नहीं आ रहा, कैसे आपने लिख दिया, फिर से रिपीट करो, सुनना अच्छे से। पहले सिग्नम एक्स दे दे तो आप तोड़ देंगे वन माइनस वन जीरो, ठीक है, और अंदर वाला पार्टी जो भी बैठा होगा उसी को पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। सर हर बार ऐसा करना है? हाँ बिल्कुल हर बार ऐसा करना है। सर ये आया कैसे, एक बार थोड़ा एलिब्रेट करो, सुनना अच्छे से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कितने को बताया कि सर अगर मैं मॉडुलस एक्स बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ मॉड एक्स को ब्रेक करना, कोई बता सकता ब्रेक का? सुनना जो पहले लिख रहा हूँ देख लो, फिर उसे बताना। जीरो से बड़ा जीरो से छोटा कौन बताएगा, जीरो से बड़े पे पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा, बताओ जल्दी से। पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा, सही है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से। हाँ इधर देखो, जीरो से बड़े पे है ना, जीरो से बड़े पे मॉडुलस ऑफ एक्स पॉजिटिव देता है। अच्छा बहुत ही बढ़िया सर, आपने एक्स को कैसा लिया यहाँ पे, जीरो से बड़ा लिया, तो जब जीरो से बड़ा लोगे तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स कैसा देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स देगा, इसका मतलब ये मॉड हट जाएगा और बचेगा एक्स, तो एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया वन। पढ़ाई बात, अब से जिस दिन आप एक्स जीरो से छोटा लेते हो तो एक्स कैसा आता है, माइनस आता है सर, तो माइनस ये मिला आपको माइनस ऑफ एक्स, और माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स कट भी जाएगा माइनस वन। कॉन्सेप्ट समझ में आपको कि कैसे स्टार्ट हुआ ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली रटा रहा हूँ, है ना, कि सर ये कैसे आ जा रहा है, तो मैंने आपको फिर से एक बार बता देता हूँ वापस से कि कैसे आपको लिख लेना है। होप आपको समझ में आ गया कि मॉडुलस ब्रेक करेंगे सर, इसके बाद वो ऐसा आया था, तो वापस से इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये लिख लेना भाई साहब, है ना, ऐसा भी दे सकता है जब नॉट जीरो हो, ये जीरो हो तो जीरो हो, है ना, आपको वाई इक्वल टू ये देगा या वाई इक्वल टू ये देगा, ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ कैसे लिख दिया है। तो इसको ब्रेक कैसे करना है, सिंपली डायरेक्टली, है ना, ये इंप्लाइज ऐसे कैसे तोड़ना है, तोड़ता इसको तोड़ने के लिए ऐसे लिख लेते हैं सिग्मा ऑफ एक्स, ठीक है, ब्रेक कर दे रहा हूँ सीधा सीधा। क्या लिखना है सर, वन माइनस वन जीरो। अच्छा बैठा हुआ कौन है, एक्स, चलो बुलाओ उसको एक्स को, अगर पॉजिटिव वन लिखा तो एक्स जीरो से बड़ा, नेगेटिव लिखा तो एक्स जीरो से छोटा, जो अंदर में बैठा है उसी से बात करूंगा, जीरो से बड़ा जीरो से छोटा सब कुछ। और यहाँ क्या लिखूं सर, चलो कॉपी करो इसको, फिर उसके बाद ग्राफ पे आते हैं, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है ताकि हम डोमेन और रेंज की बात कर सकें। चलिए होप आपने इसको लिख लिया हो। और बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसमें मजा आएगा, ध्यान देना अच्छे से, ग्राफ ग्राफ देखें, ग्राफ देखते कौन बताता है ग्राफ। चलो मैं वापस पॉइंट नंबर कितना होगा इसका, थर्ड, थर्ड पे आ जाता हूँ, थर्ड पे ग्राफ है ना, ग्राफ ऑफ सिंगम का ग्राफ कैसा होगा, जो हमने ब्रेक, ये जो अंदर में बैठा बस उसी को बुलाओ जीरो से बड़ा, उसी को बुलाओ जीरो से छोटा, ठीक उसके बराबर जीरो। आइए सभी लोगों को पता है क्वाड्रेंट एक्सिस में है ना एक्स पॉजिटिव किधर होता है, एक्स नेगेटिव किधर होता है, और साथ में ओरिजिन कहाँ पे होता है, ठीक है क्या। चलिए जल्दी से बताना, ये वाई एक्सिस है, ये ठीक रहा एक्स इक्वल जीरो, कितने बता सकते हैं कि इधर वाला पोर्शन जीरो से बड़ा और इधर वाला पोर्शन जीरो से छोटा और ये पोर्शन ठीक एक्स इक्वल टू जीरो, क्या मैंने जल्दी ये लिख लिया, जल्दी से बताना, जल्दी जल्दी सोच के बताओ कि आप जब जीरो एक्स की वैल्यू जब जीरो से साइड में, तो जीरो से बड़ा लेने पे वाई इक्वल टू कितना चिल्ला रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, ओपन या क्लोज, ओपन, तो ओपन वन, ये वन मार्क करो ओपन ऐसा, और वन जीरो से बड़ा के लिए वन हमेशा, इधर भागो इधर इधर, मैंने सही लिखा गलत सोच के बताना, सही है। एक्स की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होगी तो वाई इक्वल टू हमेशा वन आएगा। अच्छा एक्स की वैल्यू जब जीरो से छोटा, किधर दौड़ू ये बताओ, दौड़ू किधर,
ऊपर या नीचे? माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन किधर होगा? इधर चेक करो भाई साहब, सही है। अच्छा और x इक्वल टू ठीक जीरो पे कितना आ रहा है? ठीक जीरो पे सर जीरो आ रहा है, जीरो। डार्क करो सर डार्क, दिखा। चलिए अब ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, है ना? किसी ने देखा वो फिल्म में, है ना, हॉलीवुड की मूवी देखा, है ना, देखा होगा, कोई ऐसे तलवार लेके खड़ा रहता है ऐसे, सही है। चलिए फिर भी अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ध्यान रखना अच्छे से, है ना, आपको याद रखने के लिए बस डोमेन बताओ। चलो इंपॉर्टेंट है डोमेन, पहला पॉइंट डोमेन बताओ, बहुत ही माइनस वन से वन बताओ रेंज। फंस गए आराम, माइनस वन से चलो वन माइनस जीरो, माइनस वन से वन माइनस जीरो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। माइनस वन से वन के बीच में कोई ग्राफ ही नहीं है, आप छोड़ो माइनस वन से वन भी मत जाओ, माइनस वन से जीरो के बीच में कौन सा दिख रहा है आपको, कहाँ कट रहा है कुछ भी? तो इंटीजर आ रहा है जीरो, फिर कहाँ पे? फिर सन्नाटा, फिर कहाँ पे? वन पे, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, कर्ली ब्रैकेट माइनस वन जीरो वन, क्या मैंने सही लिखा? जल्दी से सोचो। नहीं आया, नहीं आया, फिर से जिसका डाउट है पूछो। समझ में आया क्या? चलो ठीक है, तो इसको कॉपी करो भाई, तो डोमेन और रेंज भी आपको पता चल गया। अच्छा आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लो भाई साहब, ये डोमेन, फिर से डोमेन एक आर आ गया, जल्दी से कॉपी करो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करते अच्छे वाले। बिटा रहा हूं मैं इसको, तो अभी तक आपने इसको देख लिया है। चलो लेकिन सर सवाल ये उठता है कि सर इसमें भी कुछ ब्रेकेज आते हैं क्या? मैंने बोला हाँ भाई, ब्रेकिंग तो आता है, जरा सीखे क्या क्या ब्रेकेज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है? बस बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एक छोटू क्वेश्चन खास आपके लिए, y इज इक्वल टू सिग्नम, और क्या दे दिया जाए ताकि मजा आ जाए, ठीक है? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या दे रहा हूँ, एक्स माइनस वन चलेगा, और आपको क्या बताना है, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन बताना है, रेंज ऑफ द फंक्शन। चलो पहला ये दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहला देता हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन, ना दोनों फाइंड करके आपको बताना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सीखें, सीखो कैसे सीखना, सुनो। मैंने बताया था कि सिग्नम कभी भी दे देना जीवन में आपके सामने, आपकी आंखों के सामने सिग्नम आया, सिग्नम आते ही मैंने बोला कि भाई जितने अंदर में बैठा वाला पार्टी है ना, इसको तो पहले बाद में देखूंगा, पहले तो लिख लेता हूँ वन माइनस वन जीरो। सर ये हमेशा लिखना है क्या? हाँ बिल्कुल हमेशा लिखना है। उसके बाद सर क्या लिखना है? मैंने बोला अंदर में कौन बैठा है बोल, मैंने बोला सर एक्स माइनस वन, तो बस ऐसे कर दे, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। सर इसके बाद भी कुछ होगा? हाँ बिल्कुल होगा। कैसे? एक बार थोड़ा सा फिर से ब्रेक करें इसको, तो ये वन माइनस वन ये जीरो। सर अब देखो थोड़ा तमीज से लिखते हैं, एक्स माइनस वन, वन को उधर छोड़ो, ये तब होगा जब वन से बड़ा, ये तब होगा जब वन से छोटा, और ये तब होगा जब ठीक एक्स इक्वल टू वन होगा। नहीं हवा नहीं लगा, किसी को समझ में आया मैंने क्या क्या कर दिया? सही है। चलो अब कितने बता सकते हैं इसका ग्राफ? आओ इधर साइड में ग्राफ चेक कर लेते हैं, ग्राफ हमारे को बहुत कुछ दे देता है, याद रखना अच्छे से, ग्राफ अपने को बहुत कुछ देगा। चलो कितने लोग बता सकते हैं कि सर वन से स्टार्ट करना है, आप जीरो से, वन से बड़े के लिए, तो सर एक काम करो वन यहाँ ले लो, माइनस वन यहाँ ले लो, चलेगा सर? और ठीक वन पे कितना देगा? जीरो। अब चेक करते हैं, वन से बड़े के लिए वाई इक्वल टू आंसर बना रहे थे, तो वन से बड़े के लिए वाई इक्वल टू वन यहाँ पे, यहाँ ये वाई इक्वल टू वन है और ये वाई इक्वल टू माइनस वन है, तो ये देखो सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ध्यान समझना अच्छे से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ये वन से बड़े के लिए इधर भागा, और सर वन से छोटे के लिए माइनस वन, वन से छोटे के लिए या माइनस वन से छोटा, है ना, वन से छोटे के लिए माइनस वन, तो वन से छोटा कहाँ होगा सर? नीचे आ जाओ, और ये आंसर कितना दे रहा? माइनस वन। तो सर वन से छोटा माइनस वन यहाँ दे रहा है, ध्यान से समझना, ये वाला हाइट माइनस वन, ओपन में, ओपन में ये इधर, और ठीक वन पे कितना दे रहा सर? वन पे, ठीक वन पे जीरो दे रहा है, यहाँ ये जीरो। पहले चेक करो ग्राफ सही है गलत है, बताओ जल्दी से। अब जल्दी से देख के बताओ, डोमेन बताओ, चलो डोमेन बताओ, डोमेन 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 आर, आर है, रेंज बताओ, 1 0 और माइनस वन, बहुत बढ़िया, रेंज आ गया 1 0 और माइनस वन, माइनस वन जीरो, कॉपी करो। मैं चाहता हूं कि इस तरह से क्वेश्चन को एक और करेंगे आप, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, चलो पहले इसको नोट कर लो, आप इसको नोट करो,
कहीं डाउट आए फिर से आपको डोमेन एंड रेंज बता रहे हैं, मैं तो पूछूंगा बार बार, है ना। ग्राफ भी बनाना चाहिए, फिर से कह रहा हूँ भाई सब क्या दिया इसमें, वन दिया, वन पे खड़ा हो जाना, वन पे है ना, वन के आगे जाने पे वन देगा पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई वन, सर वन से छोटे जाने पे यानी इधर आने पे वाई इक्वल टू माइनस वन, नीचे से स्टार्ट करेंगे ओपन में, ठीक वन पे जीरो, वाई बराबर जीरो कहाँ होता है एक्स एक्सिस पे, ये रहा सर, ठीक है चलो बात करते हैं, है ना। वाई इक्वल टू जीरो का मतलब जानते हो, बहुत बच्चे ये सोचते हैं ये देखो ये जीरो यहाँ पे, नहीं भाई साहब एक्स इक्वल टू वन पे वाई जीरो है, यहाँ पे बोल रहा है ये कॉर्डिनेट तो पकड़ो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये ऐसे लिखा हुआ है वन कॉमा जीरो ऐसे ऐसे, हाँ इट कैन बी रिटन एज ऐसे, ठीक है चलो और बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है ना देखता हूँ कौन ब्रेक करता है जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा सर, वाई इक्वल टू दे देता हूँ सिग्नम और इधर दे देता हूँ एक्स इंटू में एक्स माइनस वन, ये लो भाई साहब बहुत छोटा क्वेश्चन, चलो और अच्छा दे देता हूँ, दे देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बड़ा हो जाएगा छोटा ही लेता हूँ, एक्स इंटू में एक्स माइनस वन, चलो ट्राई करो फाइंड करना अपने डोमेन और रेंज, चलो डोमेन बताना आपको रेंज बताना आपको जल्दी, सिग्नम ब्रेक करो, बन गया क्या, बन गया क्या, हाँ ना कुछ तो बोलो बना, नो सर, नो सर ये सही आंसर है, नहीं बना तो सर कोई इशू नहीं है, नो सर नहीं बना, बहुत अच्छा देखते हैं ट्राई करो कोशिश करो देखते हैं कहीं पे गड़बड़ हो आराम से फिर से पूछना और अच्छे से समझना, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीजों को देखो चलो सीखो आओ सभी लोग मिलके देखते हैं, जिनसे बन गया बहुत अच्छा नहीं बना बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये लिखा है x माइनस ऑफ x माइनस वन, मैंने बोला ठीक है सर इसको कैसे ब्रेक करेंगे बचपन से आता सर, मैंने बोला वन लिख माइनस वन जीरो फिर कैसे चलेंगे सर ये बताओ, मैंने बोला अंदर वाला पार्टी को मैंने सिखाया था कैसे करना जीरो से बड़ा कर, मैंने लिखा x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो चलेगा, अब दूसरा क्या लिखना सर ये बताओ, दूसरा ये लिखना x इंटू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो ये भी चलेगा सर, ये बताओ सर x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें सर, एक बात समझ नहीं आया कि सर इसको ग्राफ को प्लॉट अगर करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है चलिए वो प्लॉट हो जाएगा उसमें चिंता वाली बात नहीं है, आपको क्या करना तीन इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, कैसे कैसे सॉल्व करना है देखो मैं सिखा देता हूँ, तीन इक्वेशन कहाँ कहाँ से बात कर रहा हूँ सर, तीन इक्वेशन तो दिख भी नहीं रहा, मैंने बोला देख इधर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो दिखा कहीं पे, ये वाला सॉल्व करेंगे ना एक्स किस वैल्यू के लिए आ रहा है कहाँ से कहाँ, फिर दूसरा कितना आ रहा है एक्स इंटू एक्स माइनस वन और ये लेस देन जीरो, और थर्ड क्या आ रहा है सर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो चलेगा सर, नंबर लाइन पे आ जाइए बड़े प्यार से, दिखा किसी को ये जीरो देगा और ये कितना देगा वन देगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाना कहा है पॉजिटिव की तरफ, ये इधर और ये इधर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब माइनस इनफिनिटी से कितना जीरो, ओपन यूनियन वन से इनफिनिटी चलेगा। अच्छा इसके बाद अगला जो ग्राफ है यानी सॉरी अगला इक्वेशन क्या आएगा लेस देन जीरो के लिए सर, ये देखो माइनस वन सॉरी ये जीरो आ गया और ये बना गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बीच में तोड़ेगा क्योंकि लेस देन बोल रहा है, तो x की वैल्यू कहां से कहां देख रहे हैं ओपन जीरो से वन, ये भी चलेगा, लास्ट में कितना गया सर x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू वन, ठीक है ये आ गया, यानी क्या कैसे कैसे चलना वो सिखाता हूँ सुनना, कभी भी इस तरह से है ना, वो तो सिंपल क्वेश्चन दिया था कि x माइनस वन एक फैक्टर उसको आराम से सॉल्व कर लीजिए उसे कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कभी भी क्या हो सकता है कि दो दो फैक्टर साथ में निकल के आ जाए, तो कभी भी दो फैक्टर साथ में आते हैं तो इसको पहले साइड में आप लिख लिया करो और इन इनइक्वालिटी को साइड साइड में सॉल्व कर लिया करो, ठीक है आप सुनना अच्छे से कैसे पढ़ना वो पढ़ना सिखा रहा हूँ, इसने कहा है कि सर ये वाला जब कंडीशन होगा ना तो y इज इक्वल टू वन देगा, तो ये कंडीशन का आंसर कहां से कहां है सर, मैंने बोला देख x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से जीरो और यूनियन वन से इनफिनिटी रहेगा तब जाके y इज इक्वल टू वन देगा, क्योंकि मैंने इसी को तो यहाँ सॉल्व करा है, ठीक है अब सुनना अच्छे से, पहले यहाँ तक देख लो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो ताकि मैं ग्राफ ऊपर बना सकूं, ठीक है जगह की कमी है आराम से देख लो स्क्रीन शॉट ले लो
ताकि मैं ऊपर वाला रब कर सकूं। ठीक है, आइए बात करते हैं ऊपर वाले की। देखना बहुत ही आसान, कोई टफ नहीं है, बस आपको तोड़ के आराम से सॉल्व कर लेना है। देखो इधर अच्छे से देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सुनना अच्छे से, चीज को सुनना भाई साहब, क्या करना है समझना। देखो इधर अब मैंने क्या करा, ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ कैसे देखेंगे, इधर देखो। चलो पहले मार्क करो क्या क्या, दो ही तो है सर, रूट तो दो ही है, कौन कौन सा, जीरो और वन हर जगह पे तोड़ा जा रहा है। इधर भी जीरो वन है, इधर भी सर जीरो वन, दो ही तो रूट है सर। तो मैंने क्या करा, ये जीरो यहाँ मार्क कर लिया और यहाँ पे वन मार्क कर लिया। ठीक है, अच्छा हर जगह पे देखोगे कि ओपन और क्लोज चल रहा है, मैंने ठीक है बोला। माइनस इन्फिनिटी से जीरो, फिर कितना आ रहा है, वन से इन्फिनिटी, कैसे चलना है अब सुनो। इधर दिखा देता हूँ, ये जो आंसर आ गया था वाई इज इक्वल टू सिग्नम है ना, सिग्नम के अंदर एक्स एक्स माइनस वन है ना, दिख रहा होगा सभी को, एक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू, इसका जब ब्रेकेज आया था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ब्रेकेज ये आया था वन माइनस वन जीरो, ठीक है क्या। और ये आया था एक्स बिलोंग्स टू कितना आ गया था, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन वन से इन्फिनिट, ठीक है, ये तब लेना है। दूसरा क्या है भाई साहब, एक्स बिलोंग्स टू कितना सर, जीरो से वन, ये भी चलेगा। और थर्ड क्या है सर, एक्स इक्वल टू जीरो और वन, यही तो आया सर, ये इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये कह रहा है कि वाई इक्वल टू वन ले लो भाई साहब, जब माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन वन से इन्फिनिट, तो मैंने बोला भाई माइनस इन्फिनिटी से जीरो और यूनियन वन से इन्फिनिट, तो क्या लेगा, वाई का वैल्यू वन है, तो वाई का वैल्यू वन है। कैसे वन लू सर ये तो बताओ, वो बोला माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक आना है, ठीक है, फिर यूनियन इसको छोड़ देना है, वन से इन्फिनिटी तक वन आएगा। चलता हूं मैं, सुनना अच्छे से, इधर से दौड़ता हुआ आया और यहाँ पे वन लगा दिया, दिख रहा है सभी को, समझ में आ रहा है सर ये कैसे लिया, देखो भाई देखो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो एक्स की वैल्यू पे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो सर, जीरो पे ओपन या क्लोज, ओपन तो दोनों सर, वन पे भी तो ओपन लगाया, फिर बीच में छोड़ देना जीरो वन, यहाँ से छोड़ दिया, फिर वन से इन्फिनिट, वन पे भी ओपन और से इन्फिनिट। सर ये समझ नहीं आ रही है, पैरेलली क्यों खींच रहा भाई साहब, इतने के बीच में वाई इक्वल टू वन हर जगह पे रहेगा, पहले चेक करो सही है गलत है, जल्दी बताओ सही है। चलो अच्छा अगला क्या कर रहा है सुनना, अब जीरो से वन के बीच में, जीरो ठीक जीरो से वन के बीच में देखेंगे तो ये आंसर बोला माइनस वन, तो माइनस वन तो नीचे होता है सर, वाई इक्वल टू माइनस वन नीचे होगा, और जीरो से वन के बीच में तो जीरो पे भी ओपन और वन पे भी क्लोज है, देखो जीरो पे ओपन और ये वन पे है ना, यहाँ पे भी ओपन ओपन ओपन, जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में वाई का वैल्यू माइनस वन, वाई का वैल्यू माइनस वन। और ठीक अगर मैं बात करूं सर कि इसकी है ना इस वैल्यू पे कितना आएगा, ठीक एक्स इक्वल टू जीरो और वन पे कितना है, ठीक एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो है और y इक्वल टू है ना, x इक्वल टू जीरो और वन पे जीरो है, y इक्वल टू जीरो, जीरो पे भी जीरो वन पे भी जीरो, तो सर जीरो पे जीरो वन पे भी जीरो, याद आ चेक कर लो कहीं गड़बड़े तो बताओ, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया पहले देखो, ठीक है yes, sir. हाँ चलो उसका बताओ, डोमेन बताओ रेंज बताओ, डोमेन आर आर डोमेन ऑफ द फंक्शन आर आ गया, दूसरा रेंज ऑफ द फंक्शन माइनस वन जीरो वन, सर इसका मतलब ये तो कहीं नहीं लिया सर कि हर बार डोमेन ऐसा और रेंज ऐसा का, नहीं भाई साहब ऐसा मत सोच रहा हूँ, कुछ और भी आएगा। एक क्वेश्चन लास्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करो, होप आपको समझ में आया फैक्टर वाला क्वेश्चन कैसे करो, ठीक है एक और दिए फैक्टर वाला, अच्छा एक फैक्टर वाला ट्राई करोगे, आपके हर्षोल्लास को देखते हुए एक अच्छा सा क्वेश्चन, y इक्वल टू सिग्नम, बड़े प्यार से छोटू क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस वन लीजिए साहब, बहुत छोटू, ट्राई करो सभी लोग, ग्राफ बनाओ, सिर्फ ग्राफ बनाओ, डोमेन रेंज खुद से लिखना, आप तो ग्राफ बनाओ, और जो ग्राफ अच्छे से बनाएगा ना मेरे को जरूर दिखाना, वीडियो है ना अपना कैमरा ऑन कर लेना भाई, वीडियो ऑन कर लेना, मेरे को दिखा देना कि सर देखो ये ऐसा बना, जल्दी बहुत ही सही, ट्राई करो, आराम आराम से फैक्टर निकाल करके इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेना, एंड सॉल्व करने के बाद ही आपको निकालना है, ऐसे मत करना जैसे जो प्रोसेस सिखाया उस तरह से करें आप, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी।
बन गया क्या सर? थोड़ा सा और ठीक है। Yes, चलो बहुत ही बढ़िया। देखते हैं किसी से बना। कॉपी दिखाओ, देखो जरा किन से बना, देखो किसका कॉपी सही है। नहीं सर, हम नहीं दिखाएंगे कॉपी। अच्छा, -1 से 1 जीरो से बड़ा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया श्वेता, बहुत ही अच्छा। और कोई? बन गया लेकिन देखना। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, बस बता देता हूँ ना, रफ आइडिया दे देता हूँ बोर्ड पे, है ना, आप जज कर लेना कि मेरा सही बना या गलत बना, ठीक है? मैं डायरेक्टली ग्राफ बना देता हूँ। चलो देखते हैं कौन बताएगा इसको। ये देखा था ना, वाई इक्वल टू सिग्नम एंड देन सिग्नम के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। भवार्थ, इसको तोड़ने का तरीका है ना सर, 1 - 1 जीरो लिख लिया, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना, और ये कैसा आएगा, लेस देन जीरो, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अगर मैं फर्दर इसको ब्रेक करूं तो आपको दिखेगा 1 - 1 जीरो, और ये इस तरह से चला, और ये एक्स माइनस 1 और इधर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो, और ये एक्स माइनस 1 और यहाँ पे कितना एक्स प्लस 1 लेस देन जीरो, और ये कितना आ गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। और मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसको तोड़ देना भाई साहब, नॉर्मल सी बातें हैं, आपको तोड़ना चालू करना है, बस ये देखो ग्राफ पे आ रहा हूँ सीधा, ये आ गया माइनस 1, दो ही रूट आ रहे हैं, एक 1 आएगा, ये माइनस 1 आएगा, यहाँ से देखना है, ठीक है, रूट आ गया और आ गया 1। अब ये कहना चाह रहा ना कि 1 से इन्फिनिट की तरफ तो 1 देगा, और उसके पीछे जाओगे तो भी 1 ही देगा, सही है क्या? ऐसा लिखा होगा किसी ने, और फिर माइनस 1 से इसके पीछे तो माइनस 1 से 1 के बीच में आएगा, इसका आंसर ऐसा आएगा भाई, ऐसा, ठीक है। और ये वाला आंसर कितना है, माइनस 1 है, और फाइनली ये 0 और फाइनली ये 0। क्या ऐसा ही ग्राफ बना था सभी का? यस सर। बहुत ही बढ़िया, चलो जिनका नहीं बना कॉपी कर लो। चलिए बस इस पे लास्ट क्वेश्चन, ताकि मैं बता सकूं उसको, है ना, कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि हर बार ऐसा ब्रेकेज नहीं होता, कई बार क्या होता है कंडीशंस नहीं आ पाते, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बाकी का लॉग में भी देख सकते हैं इसको, बाकी का ट्रिग्नोमेट्री में भी इसको लेके जाया जा सकता है ना, हर जगह पे इसको लेके जाया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट करके, y = सिग्नम और यहाँ लिखा x² + 1, तो ब्रेकेज चालू करता हूँ, ये 1 - 1 0, ठीक है, और ये आ गया x² + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और x² + 1 लेस देन 0, और x² + 1 = 0। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसे बन जाता है, इसे बच्चे इसे पकड़ नहीं पाते, क्या होता है सुनना चाहिए, अभी इसे बोर्ड पे देना, देखो चलो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ ना, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, पहला इनइक्वालिटी क्या है देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0, दूसरा क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0, तीसरा क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। खुद से सोचो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स का कुछ भी वैल्यू रख लो, सही है? यस सर। ठीक है, अब उसमें एक और जोड़ दो तो वो पॉजिटिव रहेगा या और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो एक्स किस वैल्यू के लिए सर, ये हर एक वैल्यू के लिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, यानी क्या, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, सुनो इसको पढ़ना कैसे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, भाई इसी का आंसर तो है ना ये, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वाई हमेशा कितना देगा, 1 देगा, ठीक है। अब यहाँ देखना भाई साहब, कितने लोग बता सकते हैं ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, अभी अभी हमने पढ़ा, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी कहता है कि मैं 0 से छोटा, नॉट पॉसिबल, कुछ समझ में आया मैंने सही बोला गलत बोला? यस सही, सही है, कोई एक्स का ऐसा वैल्यू, हाँ, तो यहाँ पे कोई एक्स का वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके चलते ये नेगेटिव दे, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा यहाँ पे बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, भाई साहब कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये 0 हो सकता है कभी? नहीं हो सकता सर, एक्स नॉट, है ना, यहाँ पे लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू 5, यानी नॉट पॉसिबल इधर, तो हमारे लिए सिर्फ आंसर किधर बच रहा है सर, आंसर इधर बच रहा है,
तो ये वाला कंडीशन तो फ्लॉप हो गया, भैया काम से कोई मतलब ही नहीं है। अब ग्राफ कैसा बनेगा सुनो, अब इधर साइड में निकल रहा हूँ, यहाँ देखना यहाँ पे क्या बचा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई इज इक्वल टू सिग्नम के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या बचा, वन। ये भी कब सर, सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, ये आंसर कब आ रहा है, ये वन आ रहा है डायरेक्टली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बाकी सर दोनों कंडीशन, अरे है ही नहीं कोई एक्स का वैल्यू ऐसा जो माइनस वन दे और जीरो दे। तो फाइनली सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, फाइनली इसका ग्राफ यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा देखना, ग्राफ तो कोई बता सकता है ये डायरेक्टली क्या वाई इक्वल टू वन दिख रहा है क्या, यस सर, किसी को तो क्या वाई इक्वल टू वन हर जगह बनेगा, हाँ बिल्कुल हर जगह एक्स बिलोंग टू आर। हाँ जल्दी से देखो इसको, डोमेन बताओ रेंज बताओ, चलो डोमेन आर रेंज जीरो रेंज वन है, रेंज वन है। अच्छा क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है क्या, y इक्वल टू k, याद आया, यस सर, ठीक है। अब तो मैं सीधा सीधा बात करूंगा भाई साहब, पहले इसको लिख लो, सीधा सीधा बोलूंगा, पहले लिख लो फिर हिंट दे देता हूँ आपको, तो सीधा याद रखना है सब चीजों को, दिखेगा मैं बोल रहा हूँ, दिखते के साथ आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, वो मैं हिंट दे देता हूँ, पहले लिख लो। चलो होप आपने इसको लिख लिया हो, तो हमने अभी अभी ताजा ताजा देखा है भाई साहब, क्या देखा है ताजा ताजा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, यहाँ पे सुनना अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल चीजों को समझना। मैंने बोला वाई इज इक्वल टू सिग्नम, सिग्नम के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन, आपने देखा कि ये पॉजिटिव रखा हुआ था, तो आज के बाद हमने याद रखनी है, याद क्या रखना, सीधा सीधा सिर्फ पॉजिटिव के लिए याद क्या रखना है कि इफ वाई इज इक्वल टू, ना याद देख रहा हूँ, इफ वाई इज इक्वल टू सिग्नम दे रखा हो और इसके अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो, पॉजिटिव क्वांटिटी हो ठीक है, तो आंसर हमेशा क्या लिखना है, आंसर y इज इक्वल टू वन लिखना है, ध्यान रहेगा ये चीजें। क्या इसका आंसर y इक्वल टू वन आया था क्या, सोच के बताना, सही है तो है ना, तो सीधा सीधा सिग्नम के अंदर कुछ पॉजिटिव रखा y इज इक्वल टू वन, सर जरा बताना फिर से, मेरे को समझ नहीं आया, एक क्वेश्चन देना जरा, मैं देखो मैं कर पाता हूँ, मैंने बोला ठीक है देख y इज इक्वल टू लिखा सिग्नम, सिग्नम के अंदर में लिख दिया भाई साहब समझना अच्छे से, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दिया x, सही है क्या, और यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ x की वैल्यू बिलोंग्स टू वन से टू, जल्दी बता, फंस गया सर, अरे डरा दिया मैंने आप लोगों, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे हैं छोटे छोटे ऐसा डराना नहीं चाहिए, ध्यान दो, अरे भाई साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई बताएगा मेरे को, एक से दो के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा ये बता, वन, सिंपल सी बात है, तो y इक्वल टू क्या मिला, y इक्वल टू सिंगम भैया के अंदर वन, अच्छा सिंगम भैया के अंदर वन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आंसर कितना आ गया वन, दैट्स इट, और क्या नहीं आया समझ में, समझ में आया क्या, यस सर, कॉपी करो, यस सर, आगे बढ़ते हैं, आपको यहां तक अगर आगे समझ में आ जाओ तो ये सिग्नम खत्म होता है ना, सिग्नम के अंदर में ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, तो हमने लगभग लगभग सारे है ना सारे के सारे पीस वाइज फंक्शन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमने दो लेक्चर है ना, दो लेक्चर छूट गया हमारा, बट दो लेक्चर में हम लोग पीस वाइज वगैरह सब खत्म कर रहे है ना, कर लिए होते, खैर कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा मैं ही, सब कुछ खत्म ही मैं ही करूंगा, जल्दी से है ना, आपको समझते हुए भी चलना है, कहीं भी डाउट है आराम से पूछ के निकल जाना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, समझना चीजों को समझना, हमने जितना भी क्वेश्चंस कराया अभी तक में, ठीक है, सबको एक जगह पे ले लूंगा, फिलहाल जो छोटी छोटी बातें हैं मैंने असेंबल करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, लास्ट में डोमेन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले लेंगे जिसमें डोमेन आर हो तो क्या करते हैं, ठीक है, चलो और बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अलजेब्रा वाला पोर्शन खत्म, अलजेब्रा का पोर्शन खत्म हो गया भाई साहब, तो सर अब किसका पोर्शन पढ़ना, अब हम लोग सीधा आते हैं डायरेक्टली है ना सेकेंड पार्ट बी पार्ट में पढ़ते हैं, है ना ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, है ना ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में क्या क्या मैं बता दूं, पहले तो आता था भाई सर ट्रिगो आ गया, दूसरा कौन सा है सर एक्सपो आ गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तीसरा क्या आ गया सर लॉगरिथम, है ना लॉगरिथम, और पॉइंट नंबर फोर क्या आ गया सर आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चार पढ़ना है, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के टाइप्स है ना, ये सब सारे फंक्शन ट्रांसेंडेंटल में आते हैं, ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है, इसमें हम लोग बड़े प्यार से पहला जो उठाएंगे समझदार से, इसमें हम लोग पहले लॉग उठाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने जानबूझ के इसको उठाया लॉग लॉग लॉग, ठीक है, पहले हम लॉग उठाएंगे, अच्छा लॉग भी नहीं लेता मैं, पहले ऐसे कर लेता ट्रिग्नोमेट्री लेता हूँ, चलो मैं ट्रिगो ले लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है सुनना अच्छे से, मैं आप लिखता हूँ देयर आर,
ये सब आता है बेसिकली, सुनना अच्छे से. देयर आर सिक्स टाइप ऑफ ट्रिगो फंक्शन. जल्दी जल्दी से, इसमें कुछ देखना नहीं है, लगन से पढ़ रखा है. देयर आर सिक्स टाइप ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ठीक है. आपको पता होगा कौन कौन सा, ए पार्ट है ना, कौन कौन सा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सभी को पता है. इसमें साइन हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, एंड फाइनली कॉसेक एक्स हो गया. यानी छह तरह के फंक्शन है, ठीक है. मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में अपन ध्यान नहीं देंगे ज्यादा, हल्का फुल्का देख के आगे निकल जाए, क्योंकि 11th में पढ़ रखा है, ठीक है. चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आ जाता हूँ, समझ अच्छे से. अना डोमेन एंड रेंज एंड देयर ग्राफ, ठीक है. यहाँ पे लिखते हैं डोमेन एंड रेंज एंड देयर ग्राफ, एंड देयर ग्राफ ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ठीक है. इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग को 3 चीजें देखना है, डोमेन, रेंज एंड देयर ग्राफ. आइए साहब जल्दी जल्दी से फटाफट करके निकाल लेते गाड़ी. ठीक है, चलिए. तो पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ और उसके डोमेन, ठीक है. जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, बेसिक बात करेंगे. पहला पॉइंट, y इज इक्वल टू साइन एक्स. मैं ग्राफ बनाऊंगा, फोटो बनाने के बाद आपसे पूछूंगा डोमेन क्या, रेंज क्या, ठीक है. सभी को पता है ग्राफ, इसमें साइन एक्स का ग्राफ किसी को पता है? पहले तो सुन लो मेरी बात, है ना. पहले मैं बता दूं ग्राफ कैसे, रुको मेरी बात सुनो. ग्राफ कैसे प्लॉट करना, वो ना कुछ बच्चे नए इसमें समझ लेना. आपको कुछ नहीं करना, ये सर्कल याद रखना, सीधा सर्कल. ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ना ये कितना आएगा भाई 180 डिग्री, ये 270 और वापस 360. फिर आगे बढ़ेंगे, 90 के बाद कितना आएगा भाई, आपको बता सकता है 90 के बाद किसमें जोड़ना है, सॉरी 360 बोल दिया ना, 360 में फिर से 90 जोड़ना है. आप बस ध्यान रखना कि 0 के बाद जब आगे चले तो कितना मिला था 90, यानी आपने 90 जोड़ा है. इस लाइन से 90 जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इस लाइन से 90 जोड़ेंगे तो यहाँ हो, हर बार 90 जोड़ना. दूसरी बात बता रहा हूँ, दूसरी बात कि इस लाइन पे हमेशा इस लाइन पे यानी यहाँ से ओरिजिन के इस लाइन पे इवन पाई होता है. कैसा पाई दिखाता हूँ, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसा वगैरह, ठीक है. इस वाले लाइन पे ओरिजिन से लेफ्ट में एक्स एक्सिस पे ऑड पाई, कौन कौन सा पाई सर, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसा करके, ठीक है. और इस पे सर पाई बाई 2 वाला लाइन होता है, ये पाई बाई 2 अपर में. कौन सा पाई बाई 2 वाला सर, हम लिख देता हूँ 4n+1 है ना, इंटू में पाई बाई 2. याद रखना अच्छे से, फिर से कह रहा हूँ, 4n+1 पाई बाई 2, ध्यान रहेगा. चलो अब यहाँ पे क्या लिखना सर, नीचे वाले में 4n-3 पाई बाई 2, ठीक है. 4n-3 पाई बाई 2, बस दिमाग में रखा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले में इवन पाई, एक्स एक्सिस के नेगेटिव वाले में ऑड पाई, वाई एक्सिस के ऊपर वाले में 4n+1 × π/2, नीचे वाले में 4n-3 π/2. बस ये याद रखना है भाई साहब, इसके अलावा कुछ दुनिया में नहीं है, याद रखना अच्छे से. अगर ये साइक्लिक आपको याद रह गया, समझो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा केस तो ऐसे ही सॉल्व हो गया. आगे बढ़ते हैं, सुनना अच्छे से. तो कभी भी ग्राफ बनाने से पहले क्या करना, ट्रिग्नोमेट्री वाले में बस एंगल मार्क करना चालू करना. 0 के बाद स्टार्ट होता है 90 के बाद 180, ऐसे चलना है. तो ये 0 π/2 π, फिर कितना 3 π/2, बस 90 जोड़ते जाओ. 0 के बाद 90 के बाद 180 के बाद 270, ऐसे चलते रहना. ये 2 π, और इधर भी सम. अगर आपने राइट में लिख लिया तो एज इट इज पीछे लिख लो. कैसे सर, -π/2 - π - कितना 3 π/2. भाई ये जो लिखा उसको माइनस करके लिख लो ना, सिंपल सी तो बात है. आ गया. अब जैसे ही आपने ये लिखा ना, आपको करना क्या है, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है. तो साइन एक्स का 0 से पाई में एक लूप ऊपर ऐसा, और ये मैक्सिमम ग्राफ कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा भाई साहब, सबको पता है. और फिर पाई से 2π में एक लूप नीचे दिखा, फिर ये पाई बाई 2 से यहां से 0 से माइनस का पाई इधर आएगा और ये फिर ऊपर जाएगा ऐसा. ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स का. और ये टॉप से टॉप हाइट 1 देगा, मिनिमम से मिनिमम हाइट माइनस 1 देगा. अब जल्दी से बताओ इसका डोमेन. ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है ऐसे करके, और ये ग्राफ भी आगे बढ़ रहा है ऐसे करके. डोमेन बताओ, डोमेन आर. बहुत ही बढ़िया. रेंज -1 बहुत ही बढ़िया, कितना -1 से 1. चलो बहुत बढ़िया, कॉपी करें इसको. ठीक है, अगला देखते हैं इसका, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का. ठीक है, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का पॉइंट नंबर 2. वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है. सीधा ग्राफ खींचता हूं आपके सामने, ये सब पता हुआ आपको. ठीक है, ये ऐसे चलेगा. ये टॉप से टॉप हाइट 1 होता है, मिनिमम से मिनिमम हाइट -1 होता है. चलो डोमेन बताओ, आर, आर,
माइनस वन से वन। बहुत ही बढ़िया। आगे ग्राफ नंबर थर्ड, थर्ड नंबर वाई इक्वल टू टेन एक्स। बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ग्राफ, सब कुछ सीखेंगे। टेन एक्स का ग्राफ आपको कैसे बनाना है मैं सिखा देता हूँ, सुनना अच्छे से। एक बार में सीखना है और एक बार में ही सीखना है, ध्यान दो। चलो आपको पहले मार्क कर लेना है एंगल, जीरो पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई, इधर एज इट इज माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई, माइनस का पाई, और फिर इधर माइनस थ्री पाई बाय टू, और ये माइनस का टू पाई, ऐसे लिख लेना भाई साहब। और हर पाई बाय टू पे डॉटेड, डॉटेड लाइन ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे। टेन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हर पाई बाय टू पे डॉटेड लाइन बनाना है, है ना, वो आइदर पॉजिटिव हो आदर नेगेटिव हो। बनाने के बाद में बीच में जो एंगल बच जाए डॉटेड लाइन का, बस उसके राइट में जाके ऊपर और लेफ्ट में जाके नीचे, ऐसे टच नहीं करना भाई साहब। फिर यहाँ पे खड़े हो राइट में ऊपर, लेफ्ट में नीचे, ये रहा आपका टेन एक्स का ग्राफ। कोई डाउट है तो पूछे, लेकिन सवाल है कि इसका डोमेन कितना। चलो बोलो डोमेन, बोलो डोमेन। सभी बच्चे कॉमा में चले गए, बोर्ड पे जा रहे हैं। अरे देखो ना, पाई बाय टू, सुनो मेरी बात सुनो, पाई बाय टू हर जगह तो छूटते जा रहा ना, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, क्या पाई के बाद थ्री आया, यानी यहाँ पे पाई बाय टू के आगे वन खड़ा था क्या, वन पाई बाय टू है ना, उसके बाद थ्री पाई बाय टू, क्या ऑड पाई बाय टू आ रहा क्या, तो मैं लिख दूंगा आर माइनस ऑफ टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, ये ऑड ही तो है, सही है क्या, टू एन प्लस वन ऑड होता है क्या, चेक करना जरा, एन का वैल्यू कुछ भी रख दो नेचुरल नंबर में। अरे हाँ भाई, यस सर, ठीक है। चलो डोमेन आ गया, रेंज बताओ, रेंज 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 तो गरीब बच्चा भी देख के बता दे, आर आर, बहुत ही बढ़िया, लिख लो। ये ग्राफ था टैन का, उसके बाद अपन आते हैं कॉट के ग्राफ पे। बहुत ही बढ़िया, आइए पॉइंट नंबर थर्ड, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ, वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। सिंपल ग्राफ इसका भी, पहले ग्राफ बनाने के लिए लाइन खींचे, लाइन के बाद जीरो पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई, बस इतना ही चल रहा है। इधर आ जाओ, माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू, सॉरी माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू, और लास्टली माइनस टू पाई। अब इसमें उल्टा होगा, उल्टा वहां पे हम लोग पाई बाय टू वाले पे एंगल पे मार्क कर रहे थे डॉटेड लाइन, अब यहाँ पे क्या करना, पाई बाय टू वाले है ना एंगल को छोड़ के मार्क करो डॉटेड लाइन की। तो ये देखो जीरो अपने आप में डॉटेड लाइन है, ये देखो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन, ये देखो, ये देखो, इधर सर देखो, ये डॉटेड लाइन है, ये भी डॉटेड लाइन। अब करना क्या सर ये बताओ, बस इसके राइट में, वहां पर राइट में जाते थे ना, राइट में अपर था, लेफ्ट में डाउन, अब उल्टा हो गया, यहाँ पे लेफ्ट में अपर होगा और राइट में, और ये ऐसा, कौन बताएगा इसका डोमेन। चलो कहाँ छूट रहा है, हर पाई पे छूट रहा है, हर पाई पे, हर पाई पे, हर क्या लिखूं, डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई, चलेगा, ठीक है। दूसरा पूछ रहा हूँ, रेंज बताएगा कोई, रेंज, रेंज आर, आर रेंज, आर, कॉपी करें, कॉपी करो, बहुत ही जल्दी है ना, फास्टली काम करेंगे क्योंकि 11 में से पढ़ रखा है, बस अपने को देख करके जल्दी जल्दी से निकल जाना है, डिस्कस करते हुए निकल जाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं है ना, पॉइंट नंबर 5, y इज इक्वल टू कौन सा सर, y इज इक्वल टू sec x, ठीक है, उसके बाद cos x का बताऊंगा। अब वो करना कुछ भी नहीं है, देखो अच्छे से है ना, sec x का बनाने के लिए आप cos x का ग्राफ बनाए, तो ऐसे होता है cos x का ग्राफ, देखो, ठीक है, ये cos x का ग्राफ है, ठीक है। अब cos x का, हाँ cos का ग्राफ बना लिया आपने, अब ये देखो ये पाई बाय टू होता है, ये कितना होता है, थ्री पाई बाय टू होता है, और अगर cos x की बात करूं, cos x की बात करूं तो ये 1 by sec x होगा, ठीक है, दोनों होता है। तो आपने को किसका ग्राफ चाहिए, sec x का चाहिए, तो आपने क्या करा, cos का बनाया और उसको उल्टा कर दिया, तो जैसे आपने उल्टा करा reciprocal, वो sec x निकल कर गया, तो करना कुछ नहीं, छोड़, सीधे ग्राफ कैसे सिखा रहा हूं,
एक्स एक्सिस को हिट करा है ना, और अगर वो ग्राफ ऊपर है तो उसके कान पकड़ दो इधर वाले, उसको ऊपर कर दो। अगर वो ग्राफ नीचे है तो इसे कान पकड़ो, नीचे कर दो। बस कान पकड़ना, ऊपर नीचे कर देना है। सुनना अच्छे से। तो ये वन है, टॉप से टॉप वन है। इसका कान पकड़ रहा हूं मैं, कान कान पकड़ा, ऊपर कर दिया। देखो ऐसे दिखा, दिखा क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, और ये जो कान जिसका पकड़ के ऊपर करा था ना, वो ग्राफ डिलीट डिलीट। अब ये ग्राफ आ गया सेक एक्स का। अच्छा फिर इसका ग्राफ सर, इसका भी ग्राफ के लिए कान को नीचे करो है ना, यहाँ पे पकड़ो और यहाँ पे ये माइनस वन है, माइनस वन है ना, ये पकड़ो और नीचे करो, तो ये नीचे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉस का ग्राफ डिलीट। दिख रहा है सभी को है ना, ये चीजें ऐसे बनेंगे। अच्छा ये अगर ग्राफ ऐसा आता, या मान लो आगे जाता ये, तो ये ग्राफ ऐसा जाता। ठीक है, ये डॉटेड आ जाता, ये भी डिलीट। ठीक है चलो, और ये वाला ग्राफ नीचे आ जाता, ये भी कान यहाँ पे पकड़ा, और ये कितना ज्यादा माइनस वन, यहाँ पे डार्क करो, ये माइनस वन, और ये ग्राफ बीच का डिलीट। चलो ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताना, डोमेन बताओ, रेंज बताओ। डोमेन डोमेन हर पार्ट, हर पाई बाय टू पे छूट रहा है, ध्यान देना, हर पाई बाय टू पे छूट रहा है। क्या लिखूंगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r माइनस ऑड पाई बाय टू, सही है क्या? रेंज बोलो, रेंज माइनस इनफिनिटी से माइनस वन एंड वन से इनफिनिटी। बहुत बढ़िया, आर माइनस ऑफ माइनस वन से वन है ना, ओपन में। भाई किसी को डाउट है पूछ ले, ऐसा नहीं कि एक बच्चे को आता है तो बाकी को आता है, जरूरी नहीं है। ठीक है चलो, फाइनली ग्राफ। तो आपको अगर मान लीजिए sec x का ग्राफ आ गया, तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर cos x का भी मैं बना लूंगा, साइन का बनाऊंगा और कान पकड़ के ऊपर नीचे कर दूंगा, बात खत्म, सही है क्या? ठीक है, आइए लास्ट ग्राफ, सिर्फ देखने के लिए समझने के लिए। y is equal to cos 1x, ठीक है, साइन का ग्राफ सभी को आता है, ये देखो साइन का ग्राफ। ठीक है, ये साइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, कर रहा कुछ भी नहीं है, जहां जहां हिट कर रहा उसको मार्क करो, ये जीरो है, ये पाई बाय टू है, और ये कितना है पाई, ये कितना है टू पाई, और ये कितना सर थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू। ठीक है, बस इतना ही लेते हैं, यहाँ लेता हूँ माइनस पाई, ये लेता हूँ माइनस टू पाई। ठीक है, ये आ गया माइनस थ्री पाई, और बीच में आ गया ये थ्री पाई बाय टू माइनस का, और ये क्या आ गया माइनस का पाई बाय टू। कुछ नहीं करना, बस जहां जहां वो हिट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहां पे डॉटेड बनाओ। ठीक है, जहां जहां हिट कर रहा है डॉटेड बनाओ। ठीक है, जहां जहां हिट कर रहा है डॉटेड बनाओ, यहाँ पे भी हिट कर रहा सर एक्स एक्सिस को। हिट कौन कर रहा सर? ये कह रहा हूँ। ठीक है, कान पकड़े ऊपर करें, ये हाइट वन होता है, मैक्सिमम वन होता है। कान पकड़ के इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, ये सर ये माइनस वन होता है सर मैक्सिमम, इधर वाला मिनिमम ऐसा होता है माइनस वन, ये इधर गया सर, ये भी नीचे गया सर, ये वाला ऊपर जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा ये वाला सर कोई बता सकता है? ये वाला ऊपर जाएगा, और ये वाला सर ये नीचे आएगा। तो सर बाकी क्या बचा? मैंने बोला बाकी जो बचा डिलीट कर, ये साइन का ग्राफ गया, ये गया 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 है ना, ये गया सर, फिर ये भी गया सर, बचाओ सर इसको, मैं नहीं बचाने वाला, ये गया। ठीक है, इधर वाला ये भी गया, प्रस्तुत है y इक्वल टू cos x, सही है। चलिए, तो ये टॉप से टॉप हाइट वन है भाई साहब, और मीडियम से मिनिमम हाइट माइनस वन है। चलो जल्दी बताओ, डोमेन बताओ, पहला पॉइंट डोमेन। अच्छा देखना, ये हर पाई पे छूट रहा है, हर पाई पे, बहुत ही बढ़िया, r माइनस एन पाई। रेंज बताओ, रेंज r माइनस माइनस वन, r माइनस ओपन माइनस वन से वन। चलिए, तो ये सारे ग्राफ थे जो मैंने आपको बता दिए। ग्राफ से देखो जल्दी से, कोई डाउट है इसमें आप आराम से है ना लिख लो जल्दी से, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जितना डोमेन रेंज लिखवाया है। चलो बहुत ही बढ़िया, आपने यहां तक देखा है। आइए, तो बाकी जितने भी बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और बाकी चीजों को भी डिस्कस करते हैं। चलो समझना चीजों को, ध्यान से देखना। आ जाओ, देखते हैं, सीखते हैं, चीजों को समझते हैं। तो ये जितने भी ग्राफ्स थे ना, मैं बेसिकली सारे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स थे। ठीक है, अब ग्राफ के साथ साथ में कोई बता सकता है मेरे को कि
कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन आर होता है, जल्दी सोच के बताओ। साइन कॉस। साइन कॉस, बहुत ही बढ़िया। अच्छा किसको किसको ये पता है कि सर साइन का रेंज कहां से कहां? माइनस माइनस। लेकिन मैं आपसे अगर पूछ दूं कि बताओ रेंज ऑफ द कॉट फंक्शन आर आर माइनस माइनस वन से वन। ना ना, कॉट फंक्शन का रेंज बताओ, कॉट का वाई इक्वल टू कॉट एक्स का रेंज। हाँ बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने स्टार्टिंग में ही बोला है कि सर वाई इक्वल टू कॉट एक्स का जो ग्राफ का रेंज होगा सर वो आर होगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, है ना, उसको कॉपी वाइज करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमने ग्राफ के बारे में और उसका डोमेन रेंज के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इसके ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, सुनना अच्छे से। तो ग्राफ पे क्वेश्चन नहीं करते हम लोग, पहले डायरेक्टली करते हैं डोमेन रेंज के क्वेश्चन फटाफट करके, जिसका जिसका डोमेन आएगा फटाफट निकालते चले जाएंगे। चलो सीखो, देखो ध्यान देना अच्छे से, है ना। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शन कौन सा सर? पहला क्वेश्चन दे रहा, सुनना। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा यहाँ पे साइन एक्स प्लस में लिखा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। डरना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा कोई बताएगा ये एक फंक्शन है या दो फंक्शन है, जल्दी बताओ। दो, अरे एक और ये दो। कितने को बताया कि सर इसका साइन एक्स का डोमेन आता है क्या? आर आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। कितने को बताया इसका इलाज अंडर रूट का, किसी को पता चला क्या करते थे? एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, भवार्थ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। मैंने बोला था किसी भी फंक्शन में डोमेन एक जगह पे आर आ रहा हो और दूसरी जगह पे कुछ और, तो आर हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेकार, सही है। तो फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना आ गया भाई, सबको बताएगा इंटरसेक्शन लेने पे x बिलोंग्स टू कितना, 1 से इनफिनिटी, 1 से इनफिनिटी। चलो कॉपी कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दिया मैंने आपको। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का टफनेस लेवल बढ़ाते हैं, सही है क्या? चलो देखो जल्दी से देखो कैसा क्वेश्चन है। देखा एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में दिया साइन एक्स माइनस वन बाई टू प्लस में दिया अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना है डोमेन ऑफ द फंक्शन, बोर्ड पे ध्यान देना अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है तभी से सीखो। चलो देखो मैंने क्या करना, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है कि एक तरफ तो सर ये चल रहा है और दूसरी तरफ तो ये चल रहा है, ठीक है। कितने लोग बता सकते हैं साइन एक्स का डोमेन तो आर होता है? होता ही नहीं होता। तो मैंने आपको बता दूं फिर से कि जिस भी फंक्शन का डोमेन आर होता है और अगर वो पॉलिनोमियल के टाइप्स में आ रहा हो, पॉलिनोमियल का टाइप्स नहीं समझ में आया सर, मैंने बोला देख तेने एफ एक्स पढ़ा था, वन अपॉन एफ एक्स पढ़ा था, तेने ये भी पढ़ा था और तेने ये भी पढ़ा था, पढ़ा था स्टार्टिंग के डेज का यही क्वेश्चन था हमारा, यही टाइप था, याद करो क्या यही था? सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग के टाइम्स में ही पढ़ा था। तो मैंने बोला कि जिस भी फंक्शन का डोमेन आर होता है, क्योंकि हर पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन आर होता है, तो जिस भी फंक्शन का पॉलिनोमियल, सॉरी जिस भी फंक्शन का डोमेन आर होगा और अगर वो पॉलिनोमियल के टाइप्स में आ रहा हो, टाइप्स माने अंडर रूट में आ रहा हो या वन बाय अंडर रूट में आ रहा हो या वन अपॉन एफ एक्स में आ रहा हो, क्योंकि सर साइन एक्स का डोमेन आर है इसीलिए उसको पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा ऐसे करेंगे, हाँ बिल्कुल। तो पहला काम तो करूंगा मैं डोमेन निकालने के लिए, चलो सभी लोग सीखो। कोई बता सकता है इसका इलाज क्या करूं अंडर रूट वाले का, जल्दी बताओ। साइन एक्स माइनस वन बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पहले चेक करो सही लिखा है या गलत लिखा है। सही सही है। अगला काम क्या करना है, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाय टू, बस ऐसे लिख के छोड़ देना है, इसके अलावा कोई भी काम नहीं करना है, तमीज से लिखते चले जाओ, ठीक है। अच्छा अगला क्या करना सर, इसका इसका तो सभी को पता होगा, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाया माइनस नाइन लेस देन इक्वल टू जीरो, भवार्थ एक्स माइनस तीन एक्स प्लस तीन लेस देन इक्वल टू जीरो। सर नंबर लाइन पे आइए बड़े प्यार से, माइनस तीन तीन प्लस माइनस जीरो और यहाँ पे ये माइनस से माइनस के बीच में, यानी क्या लेस देन है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस तीन से तीन के बीच में इसका आंसर आ गया। तो सर इसका क्या करें भाई साहब, समझदार इसीलिए तो ये जानबूझ के क्वेश्चन लिया है। पहले इधर वाला क्वेश्चन नोट कर लो, फिर फटाक से मैं इस पे आ रहा हूँ, जल्दी से नोट करो उसको, फोटो वोटो खींच लो जल्दी से, फिर बात करते हैं इस पे, है ना। मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आंसर बनाएंगे। जो अप्रोच सिखा रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ उस पे, है ना,
फॉलो करना हमेशा उन सब चीजों को, आपका आंसर जरूर आएगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो सुनते हैं, अच्छे समझते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो भी देखो सर एक बात बताओ, एक तरफ तो कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस तीन से तीन, दूसरे तरफ कह रहा है कि साइन एक्स चिल्ला चिल्ला के कि मैं एक बेटा दो से बड़ा हूं, मैं एक बेटा दो से बड़ा हूं। कैसे पढ़ेंगे सर इसको, सुनना अच्छे से, पढ़ना कैसे, सुनना, पढ़ो, इसको लिखता हूं पढ़ो, क्या पढ़ो सर, सुनना, साइन एक्स है ना, साइन एक्स एक बटा दो से, सुनना, साइन एक्स एक बटा दो से, दो से बड़ा है, बड़ा है, कहां कहां देखना है, इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस तीन से तीन, देखें, नहीं पकड़ में आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पढ़ना कैसे, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो करना क्या है, मैं सिखा दे रहा हूं, पढ़ो है ना, ये पढ़ो लिखना, पढ़ो लिखना, ठीक है, इसको लिख लेता हूं ना, रीड रीड है ना, क्या रीड करना, सुनना अच्छे से, रीड, साइन एक्स वन बटा दो से बड़ा कहां है, इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस तीन से तीन, देखो, चलो ग्राफ बनाओ, है ना, यूज करना है क्या, यूज ग्राफ, यूज ग्राफ है ना, या फिर कह लेते बाय यूज ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ किसका बनाया है सर, साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बना दो, चलेगा ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। सर एक बात बताओ, इतना क्यों लेके जा रहा, मैंने बोला ठीक है मत ले जा, कि किसी को पता चला मैं क्यों नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये माइनस तीन से तीन है सर, और ये वाला जो वैल्यू होता है ये होता है पाई, पाई का वैल्यू 3.14, क्या किसी को समझ में आया मैंने क्या बोल दिया इंग्लिश में, और ये वैल्यू होता है माइनस पाई, तो ये वैल्यू कितना है माइनस 3.14, तो मतलब मेरे को माइनस तीन से तीन में देखना है कि साइन एक्स वन बेटा दो से बड़ा है, सुनना एक एक बात को समझना, तो सर एक बात बताओ माइनस तीन कहाँ पे, माइनस तीन यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, और तीन कहाँ होगा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे, दिख गया किसी को, ये माइनस तीन का लाइन है और वो जो लाइन है वो तीन का लाइन है, और आराम से इसको थोड़ा साफ भी बना देता हूँ, चलिए देखिए अच्छे से, ठीक है, ये तीन का लाइन, सर एक बात बताओ यहाँ पे जो आपने लिखा है ये चीजें समझना अच्छे से, माइनस तीन से तीन में मैंने देखना है आपने, माइनस तीन से तीन के बीच ये रहा तीन, ठीक है, ये एक्स इक्वल टू तीन, ठीक है, और ये कौन है, एक्स इक्वल टू ये माइनस तीन, ये एक्स इक्वल टू माइनस तीन, ठीक है, अब किसमें देखना सर ये बताओ, साइन एक्स एक बटा दो से बड़ा है, ये साइन एक्स ग्राफ, एक बटा दो कहाँ होगा, एक बटा दो होगा वाई पे, एक बटा दो यहाँ पे, ये वन होता है वन, तो ये वन है तो वन बटा टू यहाँ पे होगा, यहाँ यहाँ पे, ये लो सर, दिखा किसी को, अब सुनना कैसे चेक करना है, अच्छा सर ये समझ नहीं आया, एक बटा दो साइन एक्स क्या क्या बोल रहे, नहीं समझ आ रहा, मैंने बोला देख ये साइन एक्स का ग्राफ बना, मैंने बनाया, कहां से कहां लेना है सर, माइनस तीन से तीन, मैंने लिखा सर ये वन बटा दो, आपको कैसे पता चला ऐसे लेना, भाई साहब वन बटा दो से बड़ा बोल रहा है, कभी भी कोई भी फंक्शन दूसरे से बड़ा बताया है तो उसको वाई एक्सिस पे खींचते हैं, जैसे मैं बोल दू ना कि टेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, तो एक तो टेन एक्स का ग्राफ और दूसरा वाई इक्वल टू फोर का ग्राफ, ऐसा ग्राफ ऐसा, जैसे मान लो ऐसा आ रहा है ये देखो ऐसा, और वाई इक्वल टू फोर यहाँ पे रहेगा, समझ में आई बात है, तो ऐसा करना है, ठीक है, चलो अगला बात करते हैं, तो सर ये बोल रहा कि वन बटा दो से बड़ा होना चाहिए, तो देखो ये वाई इक्वल टू वन बाई टू है, अब साइन एक्स कह रहा है कि मैं एक बटा दो से बड़ा होगा, साइन एक्स कह रहा है कि एक बटा दो से बड़ा होगा, तो बस साइन एक्स का ग्राफ देखना है कि एक बटा दो से कहां ऊपर है, देखो मैं लिख रहा हूं, इतना बता सकता है कि ये वन बटा दो से, ये वन बटा दो देखो ना, ये वन बटा दो से ये वाला ग्राफ बड़ा है, कोई जल्दी से बताना सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जल्दी बताना, यस सर, ठीक है, कितना बता सकते हैं कि सर ये वाला वन बटा दो से ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ये ऊपर है या नीचे है, नीचे नीचे है, तो इसको लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना है सर, और इसको लेना है क्या, हाँ सर इसको लेना है, पकड़ में आई बातें, तो मेरे पास है ना डबल कलर का ये इंक नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता, खैर फिलहाल जो भी बताया समझ में आया, तो सर जहां पे हिट किया, हिट जहां पे किया, तो ये वाला हिट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से लेकर के यहां तक जाना, ये पॉइंट से लेकर के यहां, ये तीन, तो डोमेन का, अच्छा एक को बता सकता है कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वन बेटा टू है क्या, तो कितना बता सकते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू वन बेटा दो कब आता है, पाई बाय थ्री पे या पाई बाय सिक्स पे, पाई बाय सिक्स पे, ठीक है, तो इसलिए डोमेन लिख रहा हूं, फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है भाई साहब, एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय सिक्स से लेके तीन तक के बीच में, अरे देखो ना सही तो लिखा है, पाई बाय सिक्स से लेकर के तीन के बीच में ही ग्राफ साइन एक्स का बड़ा है एक बटा दो से, आराम आराम से सोचो थोड़ा सा, ना मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा आपको बटन लग रहा होगा, रिपीट कर देता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं चाहता हूँ इस तरह क्वेश्चन आप सीखे है ना, समझ के रखें है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह ग्राफ आए और साथ में पॉलीनोमियल आ जाए, तो आप पहले एक्स का वैल्यू एक साइड में निकाल लें, ठीक, और एक दूसरे साइड में इसको निकाल के रखें, ये कभी भी एक फंक्शन दूसरे से बड़ा बोले ना, तो दोनों का ग्राफ बनाना है, कहां से कहां बने, ये ग्राफ बनेगा इन दोनों के बीच का, कहां से कहां, इजाजत कौन देगा, ये दिखाएगा,
ठीक है, आप इसको नोट करें, एक क्वेश्चन मैं देता हूं ताकि आप ट्राई करें, कॉपी करो, कहीं डाउट है फिर से पूछ लो। सही है, कहीं डाउट है किसी तरह का फिर से पूछ लो, स्टेप याद रखेंगे समझ के। चलो मैं ग्राफ देता हूं, देखो जरा कौन समझा, सॉरी ग्राफ कह रहा हूं, क्वेश्चन देता हूं, देखो जरा कौन समझा। वाई इज इक्वल टू दी यहां पे रूट ओवर है ना, ये दे देता हूं कॉस एक्स माइनस क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, बन गया क्या? बना क्या? आपसे बन गया होगा, आप ट्राई कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से ट्राई करें, ठीक है। कई बच्चे तो बस चुपचाप बैठे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना है ना। मैं तो बता रहा हूँ कि ये जो फंक्शन होगा ना, फोर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, भावार्थ एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सर एक्स माइनस दो और इधर क्या सर एक्स प्लस दो लेस देन जीरो इक्वल टू के साथ, तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई साहब माइनस दो से दो, यानी माइनस दो से दो के बीच में देखना है। इधर आइए बात करते हैं, कॉस एक्स माइनस वन वन बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू, भवार्थ दोनों को हमने सीख लिया सर, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन तो कैसे लेंगे, इंटरसेक्शन ग्राफ से, यहाँ पे दिखा रहा हूँ ग्राफ, चलो बोर्ड पे देखो अच्छे से ग्राफ, देखो ग्राफ में क्या खींचना है, कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ? माइनस दो से दो के बीच में, पहले कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है। ये ले लिया पाई माइनस पाई और ये आ गया, बस इतना ही काफी है भाई साहब, बस इतना ही काफी, ये रहा यार, और ये आ गया माइनस पाई बाई टू और ये आ गया इधर का पाई बाई टू, देखो अच्छे से, ये आ गया आपका पाई, ठीक है, और ये पाई नहीं है माइनस पाई है, और ये क्या सर आपका, ये आपका पाई, ठीक है। पाई का वैल्यू होता है लगभग लगभग 3.14, ठीक है, और पाई बाई टू यहाँ पे फंसा हुआ है, और ये आपका माइनस का पाई बाई टू फंसा हुआ है, लेकिन पाई बाई टू का वैल्यू जो होता है 1.57, मैंने लिखाया है ध्यान रखना अच्छे से, तो ये माइनस का 1.57 और ये वाला पॉइंट हो गया 1.57, तो लेकिन सर ये तो माइनस दो से दो के बीच में, तो 1.57 से आगे ही होगा, तो मेरा लाइन जो बनेगा ऐसा बनेगा, ये देखो ये वाला लाइन, ये कौन है सर, ये आपका x इक्वल टू दो, और ये वाला लाइन सर कौन है, ये वाला, ये आपका x इक्वल टू माइनस, यानी बस ये दोनों लाइन के बीच में ही जो खेल होना होगा। क्या बोल रहा है कॉस, बोल रहा है कि मैं जो हूँ 1/2 से बड़ा हूँ, तो मैंने बोला 1/2 को भी खींचो, ये आ गया 1/2 कहाँ आएगा, बस बीच में सर, बीच में ये ले लो, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये 1/2 से बड़ा है, कौन बताएगा किधर वाला ग्राफ आया, कोई बताएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और भी कुछ सोचो, क्या ये 1/2, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये 1/2 है, cos x का ग्राफ 1/2 से बड़ा, देखो cos x का ग्राफ ये 1/2 से ऊपर है, ये वाला ग्राफ, क्या मैंने सही बनाया गलत बनाया सोच के बताओ, सही है? यस सर। चलो तो कितना बता सकते हैं, ये वाला पॉइंट कितना होगा और ये वाला पॉइंट कितना होगा, बताओ, 1/2 चाहिए 1/2, सही है, 1/2 चाहिए 1/2, ठीक है। तो बताओ भाई ये कितना देगा, ये बताओ, 1/2 नेगेटिव में 1/2 कब देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है भाई साहब, रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है,
जीरो से पाई बाय थ्री। ना ना ना, और बताओ। अरे ये होगा ना, ऐसा होगा ना। अच्छा ये बताओ जल्दी से, कॉस के अंदर माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है या कुछ और होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो जल्दी बोलो ना, यहाँ पे कितना है बोलो ना। तो ये कितना, ये वन बाय टू कब देगा? वन बाय टू तब देगा सर जब कॉस वैल्यू जो हो 60 डिग्री हो। तो मैं बता रहा हूँ जो आ गया, सॉरी डोमेन जो आ गया, ये आपका माइनस पाई बाय टू। तो ये आ गया माइनस का पाई बाय थ्री और ये कितना आ गया पाई बाय थ्री, सही है। और ये वाला वैल्यू कितना, ये है आपका पाई बाय टू। सही जा रहा हूँ, जल्दी बताना। इसलिए मैं फाइनली लिख रहा हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन, पकड़ लो जल्दी से इसको। एक्स बिलोंग्स टू कितना आ गया माइनस पाई बाय थ्री से पाई बाय थ्री। क्या मैंने सही लिखा, जल्दी चेक करके बताओ। अरे हाँ, वन बाय टू से कॉस एक्स अगर आप ऊपर है, कहाँ से काम है माइनस पाई बाय थ्री से। और ये देखो ये खांचे के बीच में ही आ रहा है वो, सही है। हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हो आप लोग, इसका मतलब डाउट है इसमें। बन गया सभी से, ठीक है। चलो इसको दो बार घर पे आराम से ट्राई करना, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, आप उसको ट्राई करना। एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर लिखा है, एक एक चीज को समझना। क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, रूट थ्री बाई टू माइनस ऑफ कितना लिखा साइन एक्स, ठीक है। और प्लस में लिख दे रहा हूँ रूट ओवर अंडर में, है ना, वन माइनस ऑफ एक्स पर। चलो इसको ट्राई कर लेना, डोमेन फाइंड करना डोमेन, ठीक है भाई। तो आज जितना क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट कर दूं, हां सर नहीं दिख रहा किनारे किनारे रूट थ्री, हाँ शायद नहीं दिख रहा होगा, उधर चला गया। रूट थ्री बाई टू माइनस साइन एक्स, रूट के अंदर में, रूट के अंदर, रूट के अंदर में रूट थ्री बाई टू माइनस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। रूट थ्री बाई टू माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स, इसी फंक्शन का डोमेन निकालना, ठीक है। तो आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए, कल थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का और क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में क्या कर रहा है उसके बाद अगले क्लास में आईटीएफ कंप्लीट कर लेंगे। तो आईटीएफ तक अपना काम खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा आपका एक्सपोनेंशियल और लॉग दो, ठीक है। आराम से इसको ट्राई करना, आज तक मैं क्लास, है ना, आज जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना और पीछे का भी रिवाइज करके रखें, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।